हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपका ये पहला लेसन है, ठीक है। और ये पहले लेसन का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%, क्योंकि हमने पहले इसके पहले हिंदी के क्लासेस 2 या 3 4 चला दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिस्ट बनाया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आज आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आपको ये प्रश्न देखना होगा और मैं इसका पीडीएफ आप सभी को अपने टेलीग्राम पर दे दूंगी। इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि हिंदी वर्णमाला के वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो आपका हिंदी वर्णमाला है इसे वर्णों में कितने भागों में बांटा गया है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जो हिंदी का वर्णमाला है इन्हें 2 वर्णों में बांटा गया है, ठीक है। पहला तो होता है स्वर, ठीक है, स्वर होता है, और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है, दूसरा व्यंजन होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो स्वर की मात्रा होती है वो 11 होती है, और आपका व्यंजन होता है कुल 33, ठीक है, 33 होता है। उसके बाद कुछ अलग अलग होते हैं, जैसे कि उत्क्षिप्त व्यंजन, यरलवा मतलब अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, सब ये उस श्रेणी में के आने के बाद 47 बन जाते हैं आपके व्यंजन में, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि ल किससे उच्चारित होता है, जो ल वर्ण है वो किससे उच्चारित होता है। तो आपके पास ऑप्शन है दंते से, तालव्य से, ओष्ठ से, कंठ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालव्य से, ठीक है। और एक और बता दो, जो ल है इसे हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, जैसे कि आपके सामने अगर य आ जाए, ठीक है, य र और ल और व, ये चारों आपके यंतस्थ व्यंजन है, ये भी आपको याद रखना होगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि ऑप्शन में कहीं भी अंतस्थ व्यंजन नहीं है, लेकिन इसका ये पूछ रहा है कि ल किससे उच्चारित होता है, तो तालव्य से, ठीक है, ताल से उच्चारित होता है। अगला आपका प्रश्न है कि स्वरों के वर्गीकरण का आधार है, तो जो स्वरों का वर्गीकरण का आधार होता है वो स्थान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका ये स्थान हो जाएगा, जो स्वरों का वर्गीकरण का आधार है वो स्थान है। और मैं आपको बता दें कि जो स्वरों का वर्गीकरण का आधार हुआ है, आधार में बटा है, वो 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो होता है जिह्वा की ऊंचाई, दूसरा होता है जिह्वा का स्थान, तीसरा होता है होठों की आकृति, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि क्या पूछा गया है कि स्वरों का वर्गीकरण का आधार है, तो देखिए यहाँ स्थान है, ना ही ऊंचाई है, ना ही होठों की आकृति है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थान। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया कुछ समय पहले कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि ल भी है, व भी है और र भी है, तो इसमें से सिंपली पता चल गया कि जो ब है वो आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि इनमें से उष्म वर्ण कौन सा है। तो उष्म वर्ण आपको मैं बता दूं कि उष्म वर्ण कौन कौन से हैं। पहला तो आपका स है, ठीक है, स है, फिर बड़ा स है, फिर ये वाला स है, फिर उसके बाद ह है, ठीक है। ये जो चारों हैं ये आपके उष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, जिसे बोलने में उष्म मतलब थोड़ा हवा निकलता है, जैसे कि स, ठीक है, बड़ा स, स, ह, मतलब उष्म निकलता है, हम उसे उष्म वर्ण कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ऑप्शन में क्या क्या है, तो उष्म वर्ण कौन सा है, तो आप यहाँ देख सकते हो त भी नहीं है, ठीक है, फ भी नहीं है, र भी नहीं है, कौन सा है, ये वाला स आपका उष्म वर्ण है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन
मूर्धन्य, जिसे हम मूर्धा भी कहते हैं, ध्वनि नहीं है। तो आपको पता होगा कि मूर्धन्य की श्रेणी में कौन कौन सा आता है, ठीक है? तो जो मूर्धन्य की श्रेणी में आता है वो ट से जितने भी, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये सभी आपके मूर्धन्य की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? ये जो पांचों वर्ण हैं ये मूर्धन्य की श्रेणी में आते हैं। तो आप देख लो कि कौन नहीं है, तो आप देख सकते हो ट भी है, ठीक है, ड भी है और ये ठ भी है। तो अब आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि जो ये तो अब आप सोच रहे हो कि इसमें तो आप ट भी देख रहे हो, ठ भी देख रहे हो, ड भी देख रहे हो और ढ भी देख रहे हो। लेकिन गाइज आपको पता होना चाहिए, जब ढ के नीचे एक बिंदी लग जाता है, जैसे कि आपके सामने अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, ऐसा आ जाए, या एक यहाँ बिंदी, उसके बाद यहाँ आपके सामने ढ आ जाए, ठीक है, और यहाँ एक बिंदी लग जाए, तो इन दोनों को हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो ढ है इसके नीचे एक बिंदी लगा है, तो इसे हम मूर्धन्य ध्वनि की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो इसलिए आपको यहाँ टिक लगाना होगा और ये सभी मूर्धन्य की श्रेणी में आते हैं। जब ऐसा आपके सामने ढ रहेगा तो वो मूर्धन्य की श्रेणी में आएगा, लेकिन जब आपके पास एक बिंदी लग जाएगा तो वो मूर्धन्य की श्रेणी में नहीं आएगा, वो आपका उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा, ठीक है गाइस? अब आपका है कि ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो जो ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ख, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है कि दंत तोष्ठ है से उच्चारित होने वाला व्यंजन है। जो जो दंतोष्ठे से उच्चारित होने वाला व्यंजन है वो है फ और वो, ठीक है? आप यहाँ वो देखोगे तो फिर कहोगे तो ये तो अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है? आप जो फ और वो है ये अंतस्थ व्यंजन भी है, द्विविष्ठ भी है और दंतोष्ठे भी है, ठीक है? आपको इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपका यही सही रहेगा। दंतोष्ठे उच्चारित होने वाला व्यंजन है, तो देखो आप खुद ही बोलकर देखो, फ व आपका दंत और होठ से उच्चारित हो रहा है, तो इसलिए फ और व आपके दंतोष्ठे व्यंजन है। अगला आपका है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, ठीक है? तो आपको पता होगा कि कंठ वर्ग में, जो क वर्ग में है वो क्या क्या आता है, ठीक है? तो जो कंठ वर्ग में आते हैं, पहला तो आपका क आ जाता है, ठीक है, क आ जाता है, ख आ जाता है, फिर ग आ जाता है, फिर घ आ जाता है, ठीक है, घ आ जाता है, उसके बाद अंग, जिसे हम उच्चारित करेंगे तो नया पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए आपको ये जो जितने भी कंठ वर्ण में पांच वर्ण आते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके सामने है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ में नहीं है। तो सिंपली आपको दिख रहा है कि जो ये ढ है ये एक मूर्धा की श्रेणी में आता है, ये कंठ में नहीं आता है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो आप यहाँ देख सकते हो आपके सामने चार ऑप्शन है, अब देखते हैं कौन सा सही है। पहला तो यह है कि ड और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, ये तो पहले ही गलत हो गया, ये दो वर्णमाला में स्थान इनको प्राप्त नहीं है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है। दूसरा है कि पहला और तीसरा महाप्राण है, यर लव उसमें वर्ण है, ये भी गलत है। च छ ज झ स्पर्श संघर्षी है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो ग है ये आपका करेक्ट आंसर है, च छ ज झ स्पर्श संघर्षी है, ठीक है। स्पर्श संघर्षी का मतलब ये होता है कि जिनमें हमारा मतलब जब हम बोलते हैं तो कोई भी उच्चारण बोलते हैं तो थोड़ा संघर्ष, रगड़ रगड़ होने के बाद उच्चारित होता है, तो उसे हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे आप बोलोगे च छ ज झ, इसमें एक रगड़ उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इसे स्पर्श संघर्षी कहेंगे। अगला आपका है कि इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है। तो इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है, तो आपको मैंने पहले ही बताया, स भी है, स भी है, स भी है, जो झ है ये नहीं है, ठीक है, ये तालु में आता है। अगला आपका है कि
अनुदात का संबंध क्या है? तो एक होता है उदात, एक होता है अनुदात। उदात वो होता है कि आपका जब जिह्वा ऊपर हो जाता है तो उदात, और अनुदात वो होता है कि नीचे आ जाता है तो उसे हम अनुदात कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो आपका ख है वही सही रहेगा कि उच्चारण के उतार चढ़ाव को हम अनुदात का संबंध होता है। तो आज ये हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इन सारे क्वेश्चन का नोट डाउन कर लो। इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर दे दूंगी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू।